Hey guys, welcome back to my channel Curiosity and Beauty Experts. So आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी चारकोल मास्क क्रीम. ये बेसिकली एक एंटी ब्लैक हेड पील ऑफ मास्क है और जैसा कि आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, ये हर वेबसाइट पे अलग अलग प्राइजेस के साथ अवेलेबल है और इसकी रेटिंग्स ऑनलाइन काफ़ी अच्छी है. सो आई वॉज ईगली वेटिंग टू ट्राई दिस मास्क, सो मैंने ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा इस वीडियो के साथ इस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा. मैं आपको बता दूं, मुझे 250 में पड़ा था ये सिंगल मास्क और इसकी क्वांटिटी 130 ग्राम है. इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मुझे कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि सारे कोरियन में लिखे हैं. सिर्फ इंग्लिश में इतना लिखा है, बैम्बू चारकोल वाइटनिंग एंटी ब्लैक हेड मास्क क्रीम. सो ये एक पील ऑफ मास्क है और ये क्लेम करता है ये बैम्बू चारकोल वाइटनिंग मास्क है और ये एंटी ब्लैक हेड मास्क है. सो मैं बेसिकली इसे अपने फेस के छोटे छोटे मिनी ब्लैक हेड्स के लिए लेकर आई थी. इसकी पैकेजिंग में अगर आपको दिखाऊं तो सिंपल सी पैकेजिंग है जैसे नॉर्मली हर मास्क की होती है. कुछ अगर टेक्स्चर की बात करूँ मैं तो टेक्स्चर इसका काफ़ी थिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जेल जैसा इसका टेक्स्चर है, काफ़ी थिक है ये. और अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी, एकदम अल्कोहल जैसी है. अब मैं इसके सूखने के बाद के इफ़ेक्ट की बात करती हूँ तो मैं बता दूँ कि सूखने में तकरीबन आधा घंटा लेता है. और रही बात इसके इफ़ेक्ट की, जैसे कि क्लेम करता है ब्राइटनिंग वाइटनिंग मास्क है, तो जब मैंने 30 मिनट्स लगाने के बाद अपने फेस से रिमूव किया तो कोई ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं था, कोई वाइटनिंग इफेक्ट नहीं था और ना ही इसने मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव किए. सो जैसे देखा आपने कि इसमें कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है और जो भी ये क्लेम करता है वो सारे के सारे फॉल्स हैं, लाइक वाइटनिंग एंटी ब्लैक हेड्स. मतलब ये आपके फेस पे ब्लैक हेड्स आने से रोकेगा, आई डिडंट सी एनीथिंग लाइक दैट. और अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो लिटरली से 30 मिनट्स लगते हैं सूखने में, ड्राई होने में. और अगर गलती से भी आपके कपड़ों पर गिर जाता है और डरावना सा स्टेन छोड़ के जाता है, कभी ना रिमूव होने वाला, बिकॉज ये मेरे ब्राइट कलर के कुर्ती पे गिर गया था और वो आज तक क्लीन नहीं हो पा रहा है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ब्लैक कलर दे आर यूजिंग इन दैट काइंड ऑफ मास्क. एंड अगर इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स सारे कोरियन में हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए, किसी को भी समझ में नहीं आएंगे. इसकी क्वान्टिटी 130 ग्राम, 250 के हिसाब से अगर इतनी वर्स्ट क्वालिटी दे रहे हैं, आई वुड रैदर सजेस्ट अगर ये मुझे कोई फ्री में भी देगा तो मैं इसे लेना नहीं चाहूँगी. आई एम फीलिंग कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए. एंड अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसे 5 में से हाफ स्टार भी ना दूँ. और कॉन्स मैंने आपके साथ कर लिए, प्रॉज इसमें कोई है नहीं. सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस मास्क को लेके, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ये एक यूज़लेस मास्क है. इसकी अगर फ्रेगरेंस की बात भी करूँ तो फ्रेगरेंस एक अल्कोहल की फ्रेगरेंस देती है, जो मुझे नहीं लगता इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपके लिए सेफ़ होंगे. अगर आपके फेस पे रैशेज़ वगैरह भी है तो एक मास्क ना यूज़ करें. सो आपको मेरा वीडियो इस प्रोडक्ट पे कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.